ये सामने केदारनाथ धाम की आप 80 से 100 साल पहले की वीडियो देख रहे हैं, जब केदारनाथ धाम बड़ी मुश्किल से जाया जाता था। उस समय श्रद्धालु इस भाप से चलने वाली ट्रेन में सफर करके हरिद्वार पहुंचते थे। अभी आप 80 साल पहले का हरिद्वार देख रहे हैं। ये सामने है हर की पौड़ी। उस समय आप देख सकते हैं कि हरिद्वार कितना साफ सुथरा हुआ करता था और गंगा नदी उस जमाने में कितनी ज़्यादा साफ शुद्ध रहती थी। चारों तरफ आप देख सकते हैं, कोई भी गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उस समय गर्मियों के सीजन में हरिद्वार में कितने कम लोग हुआ करते थे, वहीं आज के गर्मियों के सीजन में हरिद्वार में 45 डिग्री से ज़्यादा की गर्मी पड़ रही है और ऊपर से इतनी ज़्यादा भीड़ कि आपको पैर टिकाने तक की जगह नहीं मिल पाएगी। ये देखो, भारत के कई राज्यों से आए श्रद्धालु बस स्टैंड में बैठे हैं और पीछे से उस जमाने की बसों को भी आप देख सकते हैं। ये सामने लक्ष्मण झूला से लोग गुजरते हुए, जहां अभी आप 80 साल पुराने ऋषिकेश को देख रहे हैं। अभी सामने आप देवप्रयाग को देख सकते हैं, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिल रही है। आज का देवप्रयाग ऐसा है, लेकिन 80 साल पहले का देवप्रयाग कुछ ऐसा था, जहां लोग यहां आकर स्नान, तर्पण, श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते थे। अब देवप्रयाग तीर्थयात्रियों के लिए इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि देवप्रयाग तक ही गाड़ियाँ चलती थी और देवप्रयाग से तीर्थयात्री कंटिन्यूस पैदल चलकर केदारनाथ बद्रीनाथ की ओर जाते थे। अब सोचो, उस समय की तीर्थयात्रा कितनी लंबी होती थी। बताया जाता है कि केदारनाथ बद्रीनाथ का सफ़र पैदल करने में तीर्थयात्रियों को कई महीनों तक का समय लग जाता था। अब देवप्रयाग से पैदल चलकर तीर्थयात्री पौड़ी के श्रीनगर पहुंचते थे। उस समय श्रीनगर में कोई भी बस गाड़ी नहीं चलती थी। फिर श्रीनगर से कई किलोमीटर चलने के बाद लोग रुद्रप्रयाग पहुंचते थे। ये उस समय का रुद्रप्रयाग आप देख सकते हैं, जहां अलकनंदा नदी मंदाकिनी से मिल रही है। रुद्रप्रयाग से सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद तीर्थयात्री जैसे तैसे करके गुप्तकाशी पहुंचते थे। इस मंदिर में काशी के भगवान विश्वनाथम विराजमान हैं, जहां लोग कई किलोमीटर की थकान के बाद यहां स्नान करते थे और फिर यहां से केदारनाथ की फोर्थ स्टेज की चढ़ाई करते थे। फोर्थ स्टेज का अर्थ वो चढ़ाई था जहां से केदारनाथ तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक हुआ करता था। कई श्रद्धालुओं के हाथ पैर फूल जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर केदारनाथ जाना आज की तरह आसान नहीं होता था। बताया जाता है कि उस समय केदारनाथ तक जाने वाले रास्ते इतने पतले और खतरनाक होते थे कि यदि चलने में आपसे थोड़ी सी भी भूल हुई तो आपकी जान जाने का भी डर बना रहता था। इस वीडियो में आप खुद देख भी सकते हैं। जो लोग केदारनाथ के रास्ते का खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको सीधे इस रास्ते बद्रीनाथ जाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। क्या केदारनाथ का रास्ता इससे भी ज्यादा तकलीफ का है? बहुत ज्यादा तकलीफ का है। केदारनाथ की चढ़ाई के दौरान बीच में त्रियुगी नारायण मंदिर पड़ता है। उस समय काफ़ी तीर्थयात्री रात के समय यही रुका करते थे। त्रियुगी नारायण वही जगह है जहां भगवान शिव और पार्वती ने साथ फेरे लिए थे, मतलब उन्होंने यहां शादी की थी। और उस समय में भी यहां सतयुग से कंटिन्यूस जलने वाली ज्योति आज तक जल रही है, जो सच में हैरान कर देने वाली बात है। त्रियुगी नारायण के बाद तीर्थयात्री सोनप्रयाग पहुंचते थे, जहां जैसे तैसे इस खतरनाक मंदाकिनी नदी को पार करके तीर्थयात्री गौरीकुंड पहुंचते थे। आपको बता दूं कि गौरीकुंड बेहद ठंडा स्थान है, जहां तीर्थयात्री इस तप्त कुंड में स्नान करते थे, जो कि आज भी करते हैं। इतनी ठंडी जगह होने के बावजूद भी इस तप्त कुंड में हमेशा गर्म पानी रहता है। इसके बाद फिर कुछ और किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद केदारनाथ मंदिर आता था। हाँ जी, वही केदारनाथ मंदिर, जहाँ हर तीर्थयात्री का पहुँचना एक सपने के बराबर होता है, क्योंकि ये वही मोक्ष धाम है जहाँ भगवान शिव ने बैल रूपी अवतार में आकर पांडवों को अपने दर्शन दिए थे।
आज भी इसी केदारनाथ में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार के पीठ यानी कुबड़ की पूजा की जाती है। अभी आप लगभग 100 साल पुरानी वीडियो देख रहे हैं। इसमें आपने एक चीज़ को जरूर नोटिस किया होगा कि आज के केदारनाथ में जो भगवान शिव का कुबड़ है वो बहुत छोटा हो गया है और काफ़ी हद तक ज़मीन में धंस भी गया है, लेकिन उस समय का कुबड़ काफ़ी विशाल और बड़ा है, जिसकी लोग देखो किस तरह से पूजा कर रहे हैं। आप खुद इन दो क्लिप्स में अंतर पहचान सकते हैं। लेकिन आज का कुबड़ इतना ज़्यादा छोटा हो गया है कि एक पल के लिए डर लगता है कि यदि यह ज़मीन में पूरा धंस जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाली पीढ़ी इस दिव्य कुबड़ को कभी भी नहीं देख पाएगी। ये केदारनाथ मंदिर के बाहर का दृश्य। उस समय केदार घाटी में कितने कम मकान हैं, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा बस्ती यहाँ बस चुकी है। और ये सामने रहे केदार घाटी के बर्फीले पहाड़। तो दोस्तों, आपको 80 से 100 साल पुराने केदारनाथ की वीडियो देखकर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, जहां आज के केदारनाथ के सफ़र में और पहले के केदारनाथ के सफ़र में कितना ज़्यादा अंतर था। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन सभी को कराएं। हर हर महादेव।